अब यहाँ पे देख सकते हैं ये लड़की है, ये बैठ गई है। अब यहाँ पे इनका लेग रूम आप देख रहे हैं ना, काफी स्पेसियस लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? हैंडल एक बार पकड़ के देखिए, मतलब कॉन्फिडेंस कैसा है? बहुत अच्छा है। कम से कम डाउन पेमेंट क्या है आपके यहाँ? 20 से 25 हज़ार। 20 से 25 हज़ार रुपये में? क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए? आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक और 4 फोटो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और 4 फोटो। जी। गाड़ी सेम डे में छोड़ देती हैं? जी सर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने लग गई है ओकाया की इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसके अगर मॉडल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओकाया का क्लासिक 150 मॉडल, यहाँ पे आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू करेंगे, डिटेल वॉक अराउंड करेंगे और आपको बताएंगे कि कम से कम कितना डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं जो ये गाड़ी को खरीदिएगा, और ये गाड़ी में बेस्ट कौन कौन से फीचर्स हैं जिसे आपको खरीदना चाहिए, क्या क्या इस गाड़ी की बेस्ट फीचर्स है, सभी कुछ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर हमारा थोड़ा सा भी मेहनत आपको दिखता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं गाड़ी के फ्रंट साइड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके हैंडल बार में विंडशील्ड के पास यहाँ पे आपको हेडलाइट का ऑप्शन नहीं मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिलेगा तो सिर्फ इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है। तो अभी हम इंडिकेटर को जला के दिखाते हैं इंडिकेटर कैसा है। तो यहाँ पे आप इसका इंडिकेटर देख सकते हो, बिल्कुल LED के सेटअप में आपको यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर देती है इंडिकेटर्स। और अगर इसके हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको LED में हेडलाइट मिल जाते हैं, साथ ही साथ डे नाइट DRLs भी मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। साथ ही साथ ओकाया का एक रबर में ब्रांडिंग मिल जाता है और यहाँ पे क्रोम का फिनिशिंग वी लाइक शेप में बना हुआ रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट साइड से। तो यहाँ पर अगर इसकी सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको कंपनी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड कर देती है, और वहीं अगर फ्रंट फेंडर की बात करें तो ये भी आपको ग्लॉसी ब्लू के फिनिशिंग में मिल जाएगा जो कि आपको डुअल कलर टोन में मिल जाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट इस गाड़ी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अब आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। तो बात करते हैं अगर इसके फ्रंट टायर साइज़ की, तो यहाँ पे आपको 10 इंच में ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, और अगर वहीं फ्रंट डिस्क ब्रेक डायमीटर की बात करें तो 110 mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक डायमीटर भी आपको देखने को मिल जाएगी। और सबसे खास बात इस गाड़ी की क्या है कि यहाँ पे जो इसका लेग रूम देख रहे हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस रहता है और लड़कियों के लिए काफ़ी कम्फर्टेबल गाड़ी है और काफ़ी हल्का गाड़ी है, क्योंकि लड़कियां जो है ना वो ज़्यादा हैवी गाड़ी को यूज़ नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है। और अगर इसकी लेगरूम की बात करें तो लेगरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, यानी आप 2 सिलेंडर तो एटलीस्ट रख ही सकते हो। और वहीं अगर इसके फ्रंट हैंडल बार में बात करें तो ये भी आपको स्पेशियस लगता है, और यहाँ पर एक ग्लोबॉक्स टाइप में मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्लोबॉक्स, ये दोनों साइड से ग्लोबॉक्स मिल जाता है। साथ ही साथ सामान होल्डर एक आपको मिल रहा है, USB चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी में यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर देती है। और वहीं अगर इसके हैंडल बार में बात करें तो लेफ्ट हैंडल बार में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम का फिनिशिंग जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, और यहाँ पे एक हाई बीम लो बीम का ऑप्शन है यहाँ पे, और ये हो गया आपका हॉर्न का। तो आपको हॉर्न एक बार सुनिए कैसा है इसका हॉर्न। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर का ऑप्शन है, यानी लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर यहाँ से। और अगर राइट हैंडल बार में बात करें तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा आपका हेडलाइट का ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है, और ये हो गया आपका सेल्फ स्टार्ट का, और ये है आपका रिवर्स और आगे का, फ्रंट और रिवर्स। यानी इस गाड़ी में गियर है, गियर में जैसे आपको अगर पीछे का गाड़ी करना है तो रिवर्स लगा के अगर आप एक्सेलरेटर को लेते हो तो आपका गाड़ी पीछे रिवर्स होता है, और ये है पावर का ऑप्शन यहाँ से। अब हम बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल पे। तो इसका जो आप मीटर कंसोल देख रहे हैं ना, ये फुली डिजिटल है, एक बार इसको ऑन करके दिखाते हैं कैसा लगता है। तो यहाँ पे आप जैसे इस गाड़ी को ऑन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ एक बार आप देख सकते हैं पेट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे है, रेडी का ऑप्शन है, हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर का ऑप्शन। अब सबसे खास बात यहाँ पे आपको गियर का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप कितने नंबर गियर में गाड़ी है आपका, आपका बैटरी का क्या चार्जिंग है यहाँ से आप देख सकते हो, और स्पीडोमीटर भी आपको यहीं पे मिल जाता है। स्पीडोमीटर यानी आप देख सकते हो अभी हम गाड़ी को रिवर्स मोड में है, इसको फ्रंट मोड में करके गाड़ी को यहाँ से स्पीड करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखा देता है कि अभी गाड़ी कितना स्पीड में चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इसका टॉप स्पीड भी आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप पूरा एस्केलेटर हम ले लिए हैं, और गाड़ी का टॉप स्पीड वही 22 से 23 किलोमीटर पर आवर, यानी 22 से 23 किलोमीटर का ये टॉप स्पीड दिखाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी है और काफ़ी हल्का गाड़ी है,
और ओकाया की बैटरी स्कूटर की सबसे बेस मॉडल है, क्लासिक का जो बेस मॉडल है, मतलब सबसे कम दाम की। बाकी और सारी गाड़ियां हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे ये गाड़ी को देख रहे होगे, ये फ्रीडम का गाड़ी है ओकाया का, ये भी आपको बेस मॉडल के जैसा ही कम प्राइस में मिलेगा। और बाकी ये सब जितनी गाड़ियाँ हैं ये प्रीमियम गाड़ियाँ हैं, इसकी टॉप स्पीड आपको 70 to 75 जाती हैं। लेकिन अगर बात करें ये गाड़ी की टॉप स्पीड की, तो आपको हमने दिखा दिया कि 25 to 30 की टॉप स्पीड जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सीट पोर्शन की। तो इसका जो आप सीट का हाइट देख रहे हो ना, वो मेरे को नहीं लगता है कि इसका सीट का जो हाइट है वो 760 mm से ज़्यादा होगा, क्योंकि बजाज का पल्सर N160 जो आता है ना, उसमें भी 785 mm का रहता है, तो ये उससे कहीं ज़्यादा नीचे है, तो इसका 760 mm प्राइस हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्लासिक IQ का 150 का एक ब्रांडिंग मिल जाता है, साथ ही साथ ग्लॉसी ब्लू के फिनिशिंग में ये जो मैट का जो कलर दे दिया ना, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब हम बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की, तो यहाँ पे स्प्रिंग इन स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाती है। साथ ही साथ अगर इसके हम टायर की बात करें, तो इसका जो रियर का टायर साइज़ है वो आप यहाँ पे भी हम आपको दिखा रहे हैं, रियर का टायर साइज़ वो रैलको का कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि 10 इंच में ट्यूबलेस टायर यहाँ पे, साथ ही साथ टायर हैगर भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके रियर लाइट की, तो रियर लाइट आप देख सकते हैं LED में है, और काफ़ी खूबसूरत इसका सेटअप लग रहा है, क्योंकि यहाँ से ऐसे और यहाँ पे जो आपको डॉट डॉट टाइप का है ना, काफ़ी बेहतरीन लगता है। अब हम इसके इंडिकेटर को भी जलाएंगे, इंडिकेटर का जलाने के बाद देखते हैं कि कैसा लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेटर, मतलब ये LED लाइट के साथ का जो इंडिकेटर है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग जाता है। और यहाँ पे इसका ग्रैब हैंडल जो है वो आपको स्प्लिट में नहीं मिलेगा। और अगर हम बात कर ले इसके इस साइड की, तो यहाँ पे आपको एक लेग गार्ड टाइप में रखने को मिल जाता है, जो कि यह फुटरेस्ट है। यहाँ पे डिक्की का ऑप्शन है, यहाँ से आप खोल कर डिक्की को खोल सकते हो। अभी हम बात करेंगे डिक्की के अंदर क्या चीज़ है, कितना स्पेस मिल जाता है, वो सभी कुछ बताने वाले हैं। और साथ ही साथ अलवाय व्हील जो है ना, वो आपको मैट ब्लैक के साथ क्रोम के फिनिशिंग में आ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस गाड़ी में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ नहीं मिलता है। अब जितनी भी बाइक या स्कूटी अब आ रही है ना, उसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ होता है, यानी अगर आपका स्टैंड लग जाएगा तो गाड़ी बढ़ेगा नहीं, तो इस गाड़ी में ऐसा नहीं है, इस गाड़ी में बढ़ता है, वैसा कोई सीन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके रियर साइड में, तो रियर साइड में भी आपको एक नंबर प्लेट ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। खैर ये गाड़ी में तो नंबर प्लेट का कोई ज़रूरत है नहीं वैसा, और ना ही लाइसेंस का कोई ज़रूरत है। अब हम चलिए बात करते हैं इसकी बैटरी की पावर क्या है। तो अगर इसकी बैटरी की पावर की बात करें, तो 250 वाट की इसकी बैटरी की पावर है, इसमें से BLDC हब मोटर यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। वहीं अगर बैटरी की फुल चार्ज होने की पावर जाने या टाइमिंग जाने, तो 5 से 6 घंटा में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। तो अगर आप एक बार इस गाड़ी को चार्ज कर लेते हो, तो 70 से 80 किलोमीटर एकदम अच्छे से, काफ़ी अच्छे से चल लोगे इस गाड़ी में, तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है सिटी में चलने के लिए। और अब हम बात करते हैं लेगरूम, दिखाते हैं कि इस गाड़ी का लेगरूम क्या। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लड़की है, ये बैठ गई है। अब यहाँ पे इनका लेगरूम आप देख रहे हैं ना, काफ़ी स्पेसियस लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको, ठीक लग रहा है? हैंडल एक बार पकड़ के देखिए, मतलब कॉन्फिडेंस कैसा है? बहुत अच्छा है। तो अब हम बात कर लेते हैं शोरूम के सेल्स एग्जीक्यूटिव से कि क्या है इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस, कितना में ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिल जाती है। तो मैम क्या है इसका ऑन रोड प्राइस? 84,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है। अगर बताइए कि कोई कस्टमर खरीदता है तो कैश तो देगा नहीं 84,000, कम से कम डाउन पेमेंट क्या है आपके यहाँ? 20 से 25,000 रुपये में। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए? आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, हाँ, बैंक पासबुक और 4 फोटो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और 4 फोटो। गाड़ी सेम डे में छोड़ देती हैं? फाइनेंस के लिए कौन सा कंपनी है आपके यहाँ? श्रीराम फाइनेंस है। अच्छा, श्रीराम फाइनेंस है। कितना का इंटरेस्ट लेता होगा? 12% का इंटरेस्ट है। तो भाई आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन था कि आप इंटरेस्ट बताए करिए कि कितना का मेरा इंटरेस्ट जाएगा, तो 12% का इंटरेस्ट जाएगा इस गाड़ी में। और बाकी हमने बता दिया आपको कि गाड़ी की ऑन रोड प्राइस क्या है, आप कितने में फिनांस करा सकते हैं। और अगर इस गाड़ी से कोई रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शोरूम का एड्रेस, शोरूम का नंबर, सारा कुछ हमने दे दिया है। मैम शोरूम का क्या नाम है? श्री कृष्णा ऑटोमोबाइल्स। एक बार लोकेशन बता दीजिए अपना। रांची रोड रेडमा नियर वैक्सी शोरूम के बगल में ओकाया का शोरूम है। आप अगर डाल्टनगंज से लोकल हैं या झारखंड से लोकल हैं, तो एक बार शोरूम विजिट कर सकते हैं। बाकी आपको हम नंबर दे देंगे, आप नंबर पर कॉल करके गाड़ी के बारे में सारा जानकारी ले सकते हैं, फाइनेंस के बारे में पूछ सकते हैं। और गाड़ी ऑल ओवर इंडिया यहां से डिलीवर हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि आप झारखंड स्टेट के हैं तभी आप कॉल कर सकते हैं, आप कहीं से भी हैं एक बार कॉल कर लीजिए, गाड़ी आपको डिलीवर हो जाएगी। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एक बार कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।